अब मूड खराब है उसका। अच्छा, उसके मूड की तुम्हें परवाह है और माँ की कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कसूर आपका है। आपको कितनी बार मैंने कहा है कि मुझसे बात कर लिया करें, फिर मैं उससे बात कर लिया करूंगा। आखिर कब करोगी तुम बाप? कल लड़के वाले आ रहे हैं और इतना अच्छा रिश्ता मैं अपने हाथ से नहीं खोना चाहती। बस 2-3 महीने में शादी निपटा दूं। अगर वो इसी तरह अपनी चीजें इस्तेमाल करती रही एक एक करके, तो कहां से जहेज दोगे फरी को? बेटा, मैं तो बस तुम्हारा बोझ हल्का करना चाह रही हूँ। वरना खुद ही सोच लो कैसे इंतजाम होगा जहेज का। मैं जानता हूँ, लेकिन अम्मी, हर बात करने का वक्त होता है। वक्त से पहले मैं जोया से बात नहीं कर सकता। हाँ, आप शादी की तारीख तय करें, फिर मैं जोया से बात करूंगा और ऐसे तरीके से करूंगा कि उसको कोई एतराज ना हो, उसको बुरा भी ना लगे। उसे एतराज होना भी नहीं चाहिए। जिस दिन से इस घर में आई है उसकी कितनी आओ भगत की है मैंने, देखा है तुमने? आज तक किसी सास ने नहीं की होगी। अरे, अगर मुझे फरी के जहेज की लालच ना होती तो मैं महारानी बन के खुद बैठती और उसे ऑर्डर देती रहती। ऐसा मासी बनाती कि याद रखती जिंदगी भर। देखा नहीं अपनी ताई की बहुओं का हाल? अगर मुस्कुराती भी हैं तो इजाजत लेके अपनी सास से, और इधर इन महारानी से आज तक एक ग्लास पानी का नहीं मांगा मैंने। अब ऐसी भी बात नहीं है, सारा दिन वो घर के कामों में लगी रहती है। काम करती रहती है। फिलहाल तुम उससे कह दो कि अपना मुंह ठीक कर ले, मैं कोई बदमजगी नहीं चाहती लड़के वालों के सामने। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जा रही है वो अपने अम्मा अब्बा के घर 2 दिन के। चलो शुक्र है, ये तो बहुत ही अच्छी खबर तुमने सुनाई। फिर तो मैं अपने समझियों से खुलकर बात करूंगी सब।